हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा आज का जो विषय है वो है सेव वाटर सेव लाइफ। फ्रेंड्स, पानी एक अमूल्य धन की तरह है, जिसे हमें बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% जो है वो पानी है और 42 लीटर पानी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, पर अगर उसकी 2.7 मात्रा भी कम हो जाए तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन, घबराहट, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं। परंतु फिर भी हम इस पानी के अनमोल होने का कारण नहीं जान पाते। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि पानी इतना अनमोल क्यों है। पानी के बिना हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी जानते हैं कि भोजन के बिना आप कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। और पानी भी हमें ऐसा चाहिए जो कि स्वच्छ हो, ताकि हमारा शरीर जो है वो सही से काम कर सके। क्योंकि पानी के बिना हम अपने और क्रियाओं को भी पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे पाचन के लिए, हमारी ब्रीथिंग के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तभी ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स के द्वारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पर फ्रेंड्स, क्या आपने ये सोचा है कि अगर पानी हमें मिलेगा ही नहीं, या वो पानी जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होगा, हम अगर उसको पिएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे इंडिया की कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर कि लोग पानी के लिए एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में लोग मीलों दूर तक जाके पानी को लेकर आते हैं। हम सब बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें घर में बैठे आराम से पानी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप पानी को बेवजह व्यर्थ नहीं करेंगे। जितना पानी हो, जितने की ज़रूरत हो, उतना इस्तेमाल करें और पानी को क्लीन रखने में, उसे प्रदूषित होने से बचाएं, ताकि हम और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इसके भयंकर परिणाम से बच सके। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि पानी उपलब्ध नहीं है, टैंकों के द्वारा, वाटर टैंक्स के द्वारा पानी उपलब्ध होता है, उसके लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें ये पानी इतने ही आराम से मिल रहा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसे बेकार में बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आप सेव वाटर के अभियान को अपनाएं, ताकि हमें क्लीन वाटर मिल सके और सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके।
जल एक अमूल्य धन है, इसे सोच समझ कर खर्च करें। वैसे तो जल का कोई मोल नहीं, पर यह एक अनमोल रत्न की तरह है, क्योंकि यदि जल समाप्त हो गया तो आप सभी जानते हैं कि जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर भी सिर्फ 1% पानी पीने योग्य है। अन्य पानी जो है वो या तो खारा है या तो वो प्रदूषित है, वह पीने लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझें कि जल हमारे लिए कितना अनमोल है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर, एंड कीप स्माइल, स्टे फिट, एंड डोंट फॉरगेट सेव वाटर ऑल्सो।